इस चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के कारण सरकार की कामकाज की जो शैली है, जो एग्रेशन 14 में देखा गया, 19 में देखा गया, अब थोड़ा गति मंदम सी लग रही है। क्या आप इसको फील करते हैं? आप भी प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को तमाम नेताओं से बड़ा करके प्रोजेक्ट किया गया या फिर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया? और यहाँ पर क्या है, 2014 में हारे तब भी राहुल जी, 2019 में हारे तब भी राहुल जी, 2024 में हारे तब भी राहुल जी, और राहुल जी को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे उन्होंने दुनिया फतेह कर दी। कुछ चैनल्स को शेडो बैन किया जा रहा है, उनकी रीच को घटाया जा रहा है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए क्या? लेकिन इसकी संभावना ये भी हो सकती है कि इसके माध्यम से राजनीतिक दुर्भावना से किसी को टारगेट करने की भी कोशिश हो सकती है। आपने कांग्रेस को भी बहुत नज़दीकी से देखा है, अब आप भाजपा में हैं, दोनों क्या फर्क नजर आता है आपको? हम सभी लोग काम करते हैं, परंतु काम मेरिट के साथ और अकाउंटेबिलिटी के साथ होता है। मान लीजिए कि कल कोई अगर डिलीवर नहीं कर पाता है, अध्यक्ष के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, तो उसको जाना ही होगा और नए व्यक्ति को जगह मिलेगी और सुधार होंगे ही और आगे बढ़ेंगे ही। जब टेलीविजन पे या कहीं पर भी एक प्रवक्ता के रूप में बोलते हैं तो उसमें पूरी तैयारी के साथ आपको जाना है। तो आपको मान लो कि मेरा ये रूल है कि 5 मिनट बोलना है तो कम से कम उस पर 50 मिनट का शोध होना चाहिए। लेकिन बहुत से प्रवक्ता ऐसे भी होते हैं जो पी पा के बैठ जाते हैं और अपनी वो तैयारी होती है। भाजपा के तो नहीं है पर कौन सी पाप एकाद नाम तो लो तो नाम पता मैं भी नहीं लूंगा। अरे भाई लेना तो पड़ेगा ना, ऐसा कैसा पॉडकास्ट होगा। एकाद बताइए, चलिए आपका फेवरेट प्रवक्ता कौन सा है भाजपा से, और फिर फेवरेट प्रवक्ता कौन सा है विपक्ष से, और कौन है जो सबसे खराब बोलता है? ये मैं, अरे ये तो बोलना चाहिए, ये तो बताना चाहिए। एक व्यक्ति ने जिम्मा उठा रखा है कि आपने अतीत में जो कुछ लिखा, आपने अतीत में कुछ बोला, जिसको एक विशेषण दिया जाता है कि क्लिप कटुआ। हमें कई बार बोला जाता था कि जाके ये लाइन लो, टीवी डिबेट पे लो, ट्वीट कर लो। हम बोलते थे कि क्या जरूरत है, नहीं आप करो ये पार्टी की लाइन। उनको बोला जाता था, हम करते थे। देखो मैं तो आईना सबको दिखाता हूँ, चाहे वो जुबैर हो, चाहे वो सरदेसाई हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब एक ही है। तहसीन जी आपके भाई हैं और वैचारिक रूप से थोड़ा आपसे भिन्न राय रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई राम और लक्ष्मण है कहीं के, ऐसा नहीं है। हम लोग का तो पहले ठीक था रिश्ता, पर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मेरी बगावत हुई तब उसके बाद स्थितियां ऐसी हो गई कि इस शो में मैंने शहजाद जी पुनावाला से हर उस बिंदु पर बात की है जो करनी जरूरी थी, और वो सवाल भी पूछे हैं जो आपने भेजे थे। इसलिए इस एपिसोड को पूरा देखिए, बहुत दिलचस्प होने वाला है, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ये चैनल बढ़ेगा तो उसका दायरा भी बढ़ेगा और बड़े बड़े मेहमान भी शो पर आते रहेंगे। और सब्सक्राइब कीजिए और शो का आनंद लीजिए। नमस्कार, मैं कुमार श्याम, हमारे नए संस्करण में आपका स्वागत है। और आज हमारे जो मेहमान हैं वो काफ़ी खास हैं, जिनको आप टीवी स्क्रीन पर अक्सर देखते हैं और नियमित ही देखते हैं। हमारे साथ हैं शहजाद पुनावाला जी। नमस्कार, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए। बहुत सफ़र थकान भरा रहा, लेकिन आपको देखकर, आपकी ऊर्जा देख के वो थकान बिल्कुल मिट चुकी है। लेकिन शहजाद जी, आपने आदेश आपकी सरकार ने दिया है, आपके प्रशासन ने दिया है कि दुकानों पर मुसलमान नाम लिखें। हालांकि प्रचारित तो ये किया जा रहा है कि मुसलमान अपना नाम लिखें, लेकिन आदेश तो सभी के लिए था। क्या ये समाज में विष घोलने की एक कोशिश तो नहीं है? नहीं, नाम दिखाने से, नाम बताने से विष कैसे घोला जाता है? आपने अभी शुरुआत में बताया अपना नाम, मैंने अपना नाम बताया। जब मैं डिबेट में जाता हूँ तो इंट्रोड्यूस किया जाता है पैनलिस्ट को कि बीजेपी से फलाना है, कांग्रेस से फलाना है, समाजवादी पार्टी से फलाना है, तो नाम बताने से विद्वेष कैसे पैदा होगा? नाम छिपाने का काम कौन करता है? नाम और पहचान छिपाने का काम अजमल कसाब करता है जब वो कलावा पहन कर आता है हमला करने। नाम और पहचान छिपाने का काम स्मगलर करता है, कोई ब्लैक मार्केटिंग वाला या कोई गलत काम करता है वो छिपाता है अपनी पहचान। जिसको छिपाने वाली कोई बात नहीं है तो वो क्यों नाम छिपाना चाहता है? और ये कानून जो सब पे लागू होता है, ये 2006 का मुलायम सिंह जी का कानून और 2011 का खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानून, ये मनमोहन सिंह जी के ज़माने का कानून है। तो क्या वो मुसलमानों को टारगेट करना चाहते थे? और ये अजीब स्थिति है कि देश में हलाल सर्टिफिकेट होना
ये सेकुलरिज्म माना जाता है। आजकल तो केवल खाने में नहीं, आजकल कपड़े हलाल होते हैं, आजकल फ्लैट हलाल होता है, आजकल बहुत सारी चीज़ें हलाल है, तो वो ठीक है, वो सेकुलर है। और अगर एक विशेष परिस्थितियाँ, जब अब कांवड़ का महीना चल रहा है, कांवड़ यात्री निकले हैं श्रावण के महीने में, तो उनके ऊपर एक ज़्यादा जिम्मेदारी ये होती है कि जो लोग कांवड़ लेकर निकलते हैं वो नॉनवेज खाते तो नहीं है, बल्कि नॉनवेज जो खाया है उसके हाथ का परोसा खाना भी नहीं खा सकते, तो वो उनकी सुविधा के लिए, तो ये तो उनके उपभोक्ता का अधिकार है ना, ये तो कंज्यूमर राइट है ना इनका। मैं किसी दुकान में जाऊं, मैं पूछ सकता हूं ना किसने मैन्युफैक्चर किया है, कहां से आया है प्रोडक्ट, तो कांवड़ यात्री को क्यों नहीं, और मुस्लिम को सेकुलरिज्म के तहत हलाल करने का और हलाल खाने का पूरा अधिकार है, तो ये दोहरे मापदंड क्यों होने चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें जो लोग सांप्रदायिकता का एंगल दे रहे हैं, दरअसल उनके मन में पाप है, उनके मन में चोर है, वो विभाजन पैदा करने के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पे रोक लगा दी, रोक लगाई है, खारिज नहीं किया है। रोक तो बहुत चीज़ों पे लगाती है, रोक तो बहुत चीज़ों पे लगाती है, लेकिन आपको लगता नहीं कि इस चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के कारण सरकार की कामकाज की जो शैली है, जो एग्रेशन 14 में देखा गया, 19 में देखा गया, अब थोड़ा गति मंदम सी लग रही है, क्या आप इसको फील करते हैं आप भी? नहीं, मतलब इसका कोई आधार भी होना चाहिए। मुझे लगता है कि देखिए, हो सकता है कि जो झूठ फैलाने से कुछ लोगों को तात्कालिक एक फायदा मिला है, उनको उनके मुंह पे एक खून लग गया है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर झूठ फैला रहे हैं, और हार में विनम्र होकर अपनी हार किस कारण हुई ये स्वीकारने के बदले उनको हार का अहंकार है, तो उनके अहंकार को देखते हुए आपको लगता है कि उनके कॉन्फिडेंस हाई है, हम तो वो लोग हैं जो जीत में भी विनम्र है, तो हमारी विनम्रता को, हमारे देश के प्रति कटिबद्धता को कोई हमारी कमजोरी ना समझे। हाँ, पर कुछ लोग हार में अहंकारी है, ये तो अब स्पष्ट होता जा रहा है, जिस प्रकार का रवैया उनका सदन से लेकर सड़क तक है, झूठ फैलाना, जोर से झूठ बोलना, मुझे लगता है ये तो उनके रवैये की तरफ इशारा करता है कि वो दलहित के लिए देश हित को कैसे पीछे कर सकते हैं। लेकिन तीसरा कार्यकाल मोदी जी का लग रहा था कि बड़े फैसलों का कार्यकाल होने वाला है, और किसी इंटरव्यू तो कार्यकाल समाप्त कहाँ हुआ है, अब तो कार्यकाल शुरू हुआ है। और देखिए, मोदी के फैसले मोदी के नंबर से नहीं, मोदी की नियत से तय होते हैं। नंबर तो आते जाते रहते हैं, कम ज़्यादा होते रहते हैं, नियत और इच्छा शक्ति जो है उसमें कोई बदलाव नहीं है, और जब तक इच्छा शक्ति और नियत है तब तक देश के लिए जो भी सही कदम है वो उठाए जाएंगे, और उसी कठोरता से, उसी दृढ़ता से उठाए जाएंगे जैसे कि पहले उठाए गए। लेकिन शहजाद जी, क्या आप इस बात को फील करते हैं कार्यकर्ता होने के नाते भाजपा के, कि प्रधानमंत्री मोदी जी की छवि को तमाम नेताओं से बड़ा करके प्रोजेक्ट किया गया, या फिर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया, ये अलग बात है, क्या इसका भी असर, क्योंकि भाजपा छोटे से छोटा चुनाव भी, बड़े से बड़ा चुनाव भी मोदी जी की तस्वीर पर लड़ रहा है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है, क्या इसका भी, उसका प्रभाव भी जमीनी स्तर पर पड़ा इस चुनाव के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि जब भी कोई चुनाव लड़ते हैं तो उसमें अलग अलग फैक्टर्स तो चुनाव में होते ही हैं, उसके अलावा जब आपके पास एक ऐसा नेतृत्व हो जिसने डिलीवर भी किया है, जिसने देश को एक 10 सालों तक एक अच्छा नेतृत्व भी दिया है, तो निश्चित रूप से आप उस चेहरे को, उस नेतृत्व को भी साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि लोगों को आप देखिए, जब चुनावी बातें होती है तो अक्सर टीवी पर या चुनावी मंच पर इतना समय नहीं होता कि आप हज़ार चीज़ें उनको कम्युनिकेट कर सके या रिमाइंड करा सके, तो एक रिकॉल वैल्यू, एक ब्रांड वैल्यू बन जाता है डिलीवरी का, एक चेहरे से वो जुड़ जाता है, मोदी जी के चेहरे से लोगों ने देखा है कि मोदी जी डिलीवर करते हैं, मोदी जी की गारंटी, मतलब चीज़ पूरी होने की गारंटी है, तो वो नेचुरली जब आपके पास इतना बड़ा एसेट है तो आप लेकर चलते ही हैं उसको। सवाल तो ये पैदा होता है
कि जो लोग 10 साल से विपक्ष में बैठे हैं वो आज भी राहुल गांधी के चेहरे को आगे नहीं कर पाते हैं, ये उनकी कमजोरी उनकी खामी है, और नहीं कर पाते उसके बावजूद भी वो चेहरा बदलने की स्थिति में नहीं है। मतलब कि सोचिए 2015 में लेबर पार्टी हारी थी चुनाव यूके में, तो उन्होंने अपने नेता एड मिलबैंड को चेंज किया। उसके बाद 2019 में फिर से लेबर पार्टी हारी, तो उनका उस समय नेता जेरेमी कॉर्बिन था, उसको चेंज किया। अब 2024 आते आते लेबर पार्टी को उनके जो अभी का नेतृत्व है उसमें जीत मिली, और यहाँ पर क्या है, 2014 में हारे तब भी राहुल जी, 2019 में हारे तब भी राहुल जी, 2024 में हारे तब भी राहुल जी, और राहुल जी को ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे उन्होंने दुनिया फतेह कर दी। और जो एक लौता ऐसा प्रधानमंत्री है जिन्होंने आज़ादी के बाद जन्म लेकर तीसरी बार शपथ लिया है, उसको ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि सब कुछ हार गए। तो मुझे लगता है कि ये देखने का नजरिया है कुछ लोगों का, और वो लोग जो है जोर जोर से चिल्लाकर अपना नजरिया दूसरों पे थोप रहे हैं। अगर पूरा देश इस प्रकार से देखता तो उनको 240 और हमें 99 देता। हम 240 पर, हमारी थर्ड बेस्ट परफॉर्मेंस, इनकी थर्ड वर्स्ट परफॉर्मेंस, 16 राज्यों में 0 सीट, जितनी हमारी सीट है उनकी कुल मिला के इंडिया अलायंस की सीटें नहीं आई। हमने मध्य प्रदेश में स्वीप किया, हमने गुजरात में स्वीप किया, हमारा अलायंस बिहार में स्ट्रांगली जीता, आंध्र में स्वीप किया, पहली बार हमारी सरकार ओडिशा में बनी, हमारी सरकार आप देखे नॉर्थ ईस्ट के भी राज्यों में बनी, वहां पर भी हमने स्वीप किया। उसके बावजूद भी अगर ये कहा जाए कि ये हमारी हार है और उनकी जीत है, तो मुझे लगता है कि इस जीत को का जश्न मनाते रहे, हम सरकार बनाते रहे। लेकिन चुनाव से पहले इकोसिस्टम तो अपने पीक स्तर पे था, उसने आरक्षण खत्म हो जाएगा, तानाशाही आ जाएगी, 400 सीटें ले आई तो संविधान बदल देंगे, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पर ये इकोसिस्टम निश्चित रूप से कामयाब रहा, भले ही जमीन पे वो बिल्कुल कटे हुए। मुझे लगता है कि ये स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि निश्चित रूप से हम लोग अगर हमारे जो लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाए, जो हमारा लक्ष्य था, हमने सोचा कि हमें 100 में से 100 मिले, हम 100 में से 100 नहीं मिला, हमें 85 मिला, हम अच्छे तरीके से पास हुए, फिर से पास हुए, पर 100 नहीं मिला, ये तो बात हकीकत है। इसके पीछे कई कारण हैं, इसमें से एक कारण जो आप विश्लेषण कर रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ चीज़ों में या कुछ जगहों पर झूठ फैलाने में या नैरेटिव बनाने में वो हमसे आगे रहे, इसमें कोई स्वीकारने में गुरेज नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से स्वीकारते भी हैं और इसमें सुधार भी करना चाहिए, ये भी मुझे लगता है कि ज़रूरी है, और हर राजनीतिक दल करता भी है, जो नहीं करता है वो कांग्रेस की स्थिति में आ जाता है। भाजपा तो वो पार्टी है जो जीत में भी सुधार करती है और अपने आप का आत्मावलोकन करके उसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट है, स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, वो देखती है। तो मुझे लगता है कि अभी हम जीते हैं, हाँ जितने मार्जिन से जीतना चाहते थे उतने मार्जिन से नहीं जीते, तो निश्चित रूप से हम अवलोकन करेंगे कि कैसे उसको सुधारा जाए और इम्प्रूव किया जाए। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पर कुछ चैनल्स को शेडो बैन किया जा रहा है, उनकी रीच को घटाया जा रहा है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए क्या? इसमें देखिए, मुझे लगता है कि इस पे अभी तो लोग बहुत सारा सबूत दे रहे हैं। पहले तो ये ऐसा लगता था कि एक साइड को महसूस हो रहा है पर इसके पीछे कोई तथ्य नहीं मिल रहे थे, पर अब धीरे धीरे करके अलग अलग जगहों से तथ्य भी मिल रहे हैं कि हाँ इस प्रकार का कुछ तो है। जहाँ पर एक क्लियर बायस, एक क्लियर डिसएडवांटेज लग रहा है उन लोगों के लिए जो राष्ट्रवादी बातें रखते हैं, जो देश को गाली देते हैं उनका बहुत कंटेंट आगे हो जाता है, जो विभाजन वाली बात करते हैं उनका कंटेंट आगे हो जाता है, जो सारे गाइडलाइंस फॉलो करके देश के हित की बात करते हैं उनका कंटेंट पीछे हो जाता है। और मैं ये, क्योंकि मैं सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ, तो मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ कि ये मुझे महसूस हुआ है, मैंने देखा है, मैंने तथ्य नोट किया है कि कैसे कुछ लोगों का चैनल शैडो बैन होता है, कुछ लोगों का चैनल जो है पीछे कर दिया जाता है। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, एक तो ये है कि हमने जो नया इंटरमीडिएट वाला कानून लाया है सोशल मीडिया के लिए, इसमें बड़ा क्लियर है कि आपको यदि इंटरमीडिएट बनने का आपको प्रावधान चाहिए, आपको यदि केवल नो लायबिलिटी चाहिए कि मैं केवल एक प्लेटफॉर्म हूँ, ये प्रोटेक्शन चाहिए, तो फिर आप एडिटर बन के नहीं कर सकते काम, किसी को बैन कर दूँ, किसी को मैं आगे बढ़ा दूँ, किसी के केस में मैं एक्शन ले लूँ, किसी के केस में मैं एक्शन ना लूँ, ये नहीं चल सकता। तो हमने वो लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर पिछली सरकार जब थी तब हमने बना दिया था, इसलिए आपको याद होगा कि सोशल मीडिया के कुछ लोगों का रिएक्शन भी आया था,
कांग्रेस तो इसके विरोध में ही थी, क्योंकि हम चाहते थे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अकाउंटेबल बने, उनकी भी जवाबदेही है। जवाबदेही किसको है? भारत के लोगों को है। जवाबदेही आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के प्रति भी है और मेरे जैसे कंटेंट कंज्यूमर्स के प्रति भी, तीनों लोगों के, देश के कानून के प्रति, कंज्यूमर के प्रति और क्रिएटर के प्रति। और अगर यहाँ पर कहीं पर भी क्रिएटर, कंज्यूमर या देश के कानून के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसके ऊपर निश्चित रूप से उपयुक्त कार्रवाई करना जरूरी है और वो कार्रवाई होगी। लेकिन इसी बीच आपकी आपकी तरफ से एक कोशिश हुई, लीगल हिंदू डिफेंस नाम की एक संस्थागत प्रयास करने की कोशिश है कि हम उस इकोसिस्टम को, उस प्रभाव को थोड़ा मंदहम कर सकें, वो क्या है? देखिए, लीगल हिंदू डिफेंस, आप, मैं और हमारे जैसे करोड़ों राष्ट्रवादी सोच रखने वाले लोगों का एक अभिव्यक्ति का एक एक्सप्रेशन है। हम सभी लोगों को ये महसूस हो रहा है कि हमारे देश में जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है, इसमें एक तो ये जाहिर सी बात है कि ये राजनीति देश को विभाजन और खंडित करने की राजनीति हो रही है कि किसी प्रकार से हिंदू को, हिंदू समाज को बांटो और जो देश विरोधी ताकतें हैं उसको एक करो। इसके लिए दो या तीन चीज़ें की जा रही हैं जो ये राजनीति को पुश कर रहे हैं। एक, कि जो भी राष्ट्रवादी बात रखता है, राष्ट्रवादी बोलता है या जो एकदम स्ट्रांगली हिंदू सनातन के पक्ष में बोलता है उसको टारगेट करो, उसको आइसोलेट करो, उसको टारगेट करो, उसको इकोनॉमिकली टारगेट करो, उसके चैनल का रीच घटाकर, या उसको लीगली टारगेट करो, उसको झूठे केस में फंसा कर, या उसको डराओ, ये करके। दूसरा एक जो किया जा रहा है वो है कि किस प्रकार से फेक न्यूज़ फैलाओ और फेक न्यूज़ फैलाकर हिंदू समाज के बीच में बंटवारे के बीज बो दो एक के बाद एक के बाद एक। और तीसरा ये किया जा रहा है कि लोगों में एक संशय पैदा करने के लिए, एक डाउट पैदा करने के लिए, वही चीज़ जो अंग्रेज़ों ने की या जो इससे पहले आक्रांताओं ने की कि किस प्रकार से एक हीन भावना पैदा करो अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के प्रति। तो ये तीनों चीज़ें चल रही है। अब इसका काउंटर क्या हो सकता है? इसका काउंटर तभी हो सकता है जब जो लोग झूठे केस करते हैं तो उन लोगों को जो राष्ट्रवादी है या जो हमारे सनातन के लिए बोलते हैं उनके पास भी एक मैकेनिज्म हो कि उनके ऊपर अगर कोई झूठा मुकदमा होता है तो उनके साथ एक लीगल टीम खड़ी हो। तो पहला मकसद यही है कि उन लोगों के लिए एक लीगल बैकिंग होनी चाहिए ताकि उनके ऊपर झूठे केस लगे तो वो लड़ने के लिए एक टीम साथ में खड़ी हो। दूसरा, जो फेक न्यूज़ फैलाते हैं उनके ऊपर हमें केवल फेक न्यूज़ को फैक्ट चेक करने से नहीं होगा, फेक न्यूज़ फैलाने वाले पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक हम फेक न्यूज़ स्प्रेडर को नहीं टारगेट करेंगे, केवल फेक न्यूज़ को टारगेट करेंगे तो फेक न्यूज़ नहीं बंद हो सकती। वो आज एक फेक न्यूज़ है, कल 10 फेक न्यूज़ फैलाएगा। फेक न्यूज़ फैलाने वाले को जब आप टारगेट करोगे, मतलब टारगेट मतलब उसको एक्सपोज करोगे, उसको कानूनी रूप से टैकल करोगे, तब वो फेक न्यूज़ बंद होगी। और तीसरा, कि जो ये लोग झूठ फैलाकर डिविजन क्रिएट करना चाहते हैं समाज में, संस्कृति के प्रति नफरत फैलाना चाहते हैं, उसको भी काउंटर करने के लिए एक, हम सभी लोगों को एक साथ एक स्वर में बोलना बहुत ज़रूरी है। तो इन तीन मकसद को पूरा करने के लिए ही लीगल हिंदू डिफेंस जो है उसको तैयार किया गया है। और अभी तो ये वॉलंटियर स्टेज में चल रहा है, परंतु फिर भी कई सारे केसेस में हमने FIR करवाई, किसी के ऊपर केस करवाया, किसी के ट्वीट्स डिलीट करवा दिए जो आपत्तिजनक थे, कोई फंस गया तो उसके ऊपर कोई केस ना हो या उसको कोई राहत मिले उसके लिए प्रयास किया, और कुछ फेक न्यूज़ को उसको काउंटर करके उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने आग्रह किया। तो मुझे लगता है कि अभी तक जो एक एक्सपीरियंस रहा है एक आध महीने का वो बहुत अच्छा रहा है और इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, पर इसमें सभी लोगों को एकत्रित होना पड़ेगा। ये कोई एक व्यक्ति या एक 10-12 लोगों के करने से नहीं होगा, इसमें पूरे इकोसिस्टम को एक साथ आकर एक मिशन और विजन के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन इसकी संभावना ये भी हो सकती है कि इसके माध्यम से राजनीतिक दुर्भावना से किसी को टारगेट करने की भी कोशिश हो सकती है। नहीं, इसका कोई मकसद ही नहीं है, राजनीतिक दुर्भावना से टारगेट करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि देखिए हमारे लिए कोई राजनीतिक दल नहीं है ज़रूरी। लीगल हिंदू डिफेंस
कोई पॉलिटिकल पार्टी का डिफेंस नहीं है, ये पूरे भारत के लिए, भारत के विषयों पर और हिंदू सनातन को जो गाली देते हैं या अपमानित करते हैं उन विषयों के लिए बना है। तो इसमें कोई राजनीति से प्रेरित होने का मतलब नहीं है। अगर देश के खिलाफ बोलोगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए आगे आएगा ही, और अगर देश के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं तो मुझे लगता है कि किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी को जानबूझ के परेशान करने के लिए लीगल हिंदू डिफेंस बनाए, पर हाँ अब ऐसा नहीं होगा कि क्योंकि आप किसी राजनीतिक दल से या क्योंकि आप एक स्पेशल, आपको एक प्रिविलेज मिला हुआ है, सेकुलर प्रिविलेज मिला हुआ है, तो आप झूठ बोलो, आप गाली दो, आप हिंदू समाज को अपमानित करो और फिर आपको एक सेकुलर संरक्षण मिल जाए, तो वो सेकुलर संरक्षण अब नहीं मिलेगा क्योंकि हम तो उस केस को परस्यू करेंगे। हाँ, अगर इसका खौफ है लोगों में तो मुझे लगता है ये खौफ और ये डर रहना भी चाहिए। आपने कांग्रेस को भी बहुत नज़दीकी से देखा है, अब आप भाजपा में हैं, दोनों पार्टियों की कार्यशैली, वो ऑरा, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक मुझे लगता है कबीला है। वहाँ पर कुछ परिवार हैं जो राजनीति को या उस संस्था को, उस व्यवस्था को चलाते हैं। कांग्रेस में ना कोई कार्यकर्ता है, ना कोई विचारधारा है। कांग्रेस एक शेयर होल्डिंग के साथ चलने वाली एक कंपनी है, उसमें मेन शेयर होल्डर गांधी परिवार है, फिर उसके बाद छोटे छोटे शेयर होल्डर आते हैं। उनका रिश्ता कोई पार्टी की विचारधारा से या कार्यकर्ता से नहीं, उनका रिश्ता केवल ये है कि भाई हम लोग इस संस्था में हैं, हमारी ये जगह गांधी परिवार ने तय की है, और हम लोग गांधी परिवार से कोई सवाल नहीं पूछेंगे, गांधी परिवार हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। तो एक कबीला सिस्टम है। यहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं है इस पार्टी में, यहाँ पर केवल एक परिवार को ही हमेशा आगे करना है। और वहाँ पर तो अध्यक्ष की भी कोई वैल्यू नहीं है, खड़गे जी का नाम और ट्वीट कितने आते हैं और पोस्टर में जगह नहीं मिलती उनको किस प्रकार से। वो तो एक दिन कह भी रहे थे चुनाव के समय पे कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और उन्होंने एक फिर उसके बाद भाषण में भी कहा कि मैं बना हूँ तो मैं सोनिया गांधी की वजह से ही बना हूँ, जबकि सोनिया गांधी उनसे उम्र में कम है और वो कहीं पहले ही मंत्री बन गए थे। तो वहाँ पर सब कुछ एक परिवार आधारित है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जो है ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम है। यहाँ पर परिवार नहीं, परफॉर्मेंस मैटर करता है। इसलिए भाजपा जब से बनी है तब से लेकर आज तक, आप देखिए इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी किसी एक परिवार से ही नहीं बनते, प्रधानमंत्री एक परिवार से नहीं बनता। चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, बूथ पे काम करने वाला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। और यही मेन अंतर या डिफरेंस है कि वो पार्टी नहीं है, वो केवल एक पारिवारिक कंपनी है, और यहाँ पर पार्टी है जो एक दूसरे को परिवार के सदस्यों की तरह वो अपनाती है और उसको स्वीकारती है, और फिर हम सभी लोग काम करते हैं, परंतु काम मेरिट के साथ और अकाउंटेबिलिटी के साथ होता है। मान लीजिए कि कल कोई अगर डिलीवर नहीं कर पाता है, अध्यक्ष के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, तो उसको जाना ही होगा और नए व्यक्ति को जगह मिलेगी ही और सुधार होंगे ही और आगे बढ़ेंगे ही। आप भाजपा में आए और आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई, आपको क्या लगता है किसने ये कॉल दी थी कि इतना तेज तरार युवा लड़का आ रहा है इसको ये बागडोर? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा में जो भी फैसले होते हैं, जहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं समझ पा रहा हूँ, वहाँ पर हर निर्णय पे एक सामूहिक मतलब एक निर्णय ही बनता है कि किस प्रकार से कोई भी नियुक्ति करनी है, कोई भी फैसला लेना है, कोई भी चीज़ करनी है। तो मुझे लगता है कि मेरे भी केस में वही रहा होगा, कोई एक व्यक्ति या एक किसी के बोलने से ऐसी चीज़ें भाजपा में नहीं होती। भाजपा में सर्वसम्मति से ही सारे निर्णय लिए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद यही है कि मेरे भी विषय में सभी लोगों ने सामूहिकता से ही निर्णय लिया होगा, उनको लगा होगा कि ये लड़का ठीक से काम करता है, अच्छा काम करता है। एक सिद्धांत के लिए उसने इतना बड़ा जोखिम उठाया था कांग्रेस पार्टी में। मैं पहला था, मेरे पहले शायद सिर्फ हेमंता जी थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी उस समय पर, 2015 में। फिर मैं 2016-17 में मेरी बगावत हुई, तो उस समय पर तो ज़्यादा कांग्रेसी छोड़ते नहीं थे। कांग्रेसी मुझे लगता है पिछले 2-3 वर्षों में ज़्यादा आए।
तो उस समय पर जब मैंने ये स्टैंड लिया तब ये अनपॉपुलर स्टैंड था कि गांधी परिवार से रिवोल्ट कर दिया, कांग्रेस से रिवोल्ट कर दिया, तो मुझे लगता है उनको भी लगा होगा कि इसमें साहस भी है, सच बोलने की ताकत भी है, ईमानदारी से काम भी करता है, कम्युनिकेट भी ठीक ठाक कर लेता है। तो मुझे लगता है कि भाजपा में मेरिट की बहुत वैल्यू है, और मेरिट अगर आप में है, टैलेंट अगर आप में है, तो आपको भाजपा प्लेटफॉर्म देती है और फिर आप उसको आगे ले जा सकते हैं। शहजाद जी, हम आपको टीवी पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, उससे पहले की जो तैयारी होती है पूरे दिन का, दिन की जो दिनचर्या होती है एक प्रवक्ता की, राष्ट्रीय प्रवक्ता की, वो क्या रहती है? कहीं आपने शेयर नहीं किया आज तक? देखिए, मेरा थोड़ा सा अलग है क्योंकि बाकी तो मुझे नहीं पता कि कैसे करते हैं, पर मैं तो इसमें विश्वास रखता हूँ कि कोई भी चीज़ आप जब टेलीविज़न पे या कहीं पर भी एक प्रवक्ता के रूप में बोलते हैं तो उसमें पूरी तैयारी के साथ आपको जाना है। तो आपको मान लो कि मेरा ये रूल है कि 5 मिनट बोलना है तो कम से कम उस पर 50 मिनट का शोध होना चाहिए, और 5 घंटे का उस पर आपके पास कम से कम ज्ञान या जानकारी होनी चाहिए, वरना इस पर नहीं जाना चाहिए, वरना इस पर नहीं बोलना चाहिए। इतना समय क्यों 5 मिनट बोलने के लिए? क्योंकि उन 5 मिनट में आपका जो विरोधी है आपके सामने, वो आपके सामने ऐसा तथ्य लाएगा जिसमें आप घिरोगे या फंसोगे। आप अगर 5 घंटे की मेहनत नहीं करोगे उससे पहले, तो आप समझ नहीं पाओगे कि जब आपके लिए वो तर्क या वो तथ्य लाएगा तो उसका जवाब क्या होना चाहिए। और वो जवाब केवल ऐसा जवाब नहीं हो सकता कि जो आप देकर निकल रहे हो, आप पार्टी का जवाब दे रहे हो, आप व्यक्तिगत जवाब नहीं दे रहे हो। चलो, आपको किसी से 1-to-1 पर्सनल बात करनी है तो उसके लिए कोई तैयारी की जरूरत नहीं है, आप जो बोलो आप अपनी बात बोल रहे हो, पर पार्टी की बात जब आप बोल रहे हो और खास करके उन तर्कों पर या उन पॉइंट्स पर जहां पर वो आपको घेरने वाला है, तो वो पार्टी की लाइन होनी चाहिए। तो फिर आपको पीछे जाना पड़ता है कि पार्टी ने इससे पहले इस पे क्या बोला है, आज क्या परिस्थितियां हैं, क्या वो लाइन को हम आज इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कहां तक आपको करना है उसको इस्तेमाल, और पार्टी के नेतृत्व से भी एक बार आपको जानकारी प्राप्त करनी है कि अब इस स्थिति में ये बोले या ना बोले। देखिए, कभी आप विपक्ष में थे, आपने कुछ बोला था, आज वो परिस्थितियां बदल गई है, तो क्या आप सेवा में हैं तो क्या आप वही चीज बोल सकते हैं क्या, या उसमें आपको कुछ सुधार करना है या आज की परिस्थितियों में उसमें कुछ जोड़ना है। तो ये सारी चीजें आपको देखने में, समझने में, उसके हिसाब से काम करने में और तथ्य जुटाने में, तर्क जुटाने में समय लगता है। तो मेरे हिसाब से इतनी मेहनत करके तो जाना चाहिए, तो मैं तो लगातार इसमें लगा रहता हूँ। ऐसा कोई समय नहीं होता जिसमें मैं जानकारी प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा तो जीवन इसी में खप जाता है पूरा। आप रिसर्चर है, आपके साथ कोई टीम है? नहीं नहीं, टीम तो देखो, टीम सहयोगी तो है जो साथ में रहते हैं, पर वो सहयोगियों के बल पे आप ये नहीं कर सकते। सहयोगी आपका हो सकता है कि वो समय किसको देना है, कैसे देना है, या कहाँ पे आना है, या कहाँ से एक शो करना है, स्टूडियो से करना है या दफ्तर से करना है या कमरे से करना है, वो तय कर सकता है। पर सहयोगी बैठकर आपको वो ज्ञान नहीं दे सकता कि इस विषय पे क्या बोलना है, वो तो आपकी खुद की जानकारी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो एक्सपोज हो जाएगी। कोई चिट पकड़ा दे और चिट से आप पढ़ो और चिट में मान लो कि वो पॉइंट नहीं है जो सामने वाले ने पूछ लिया, तो आप फंस जाओगे। तो ये चिट वाली राजनीति जो करते भी हैं हमारे यहाँ पे है कई सारे नेता, तो नेता प्रतिपक्ष भी बन जाते हैं वो, तो चिट की राजनीति करने से वो क्या होता है कि हमेशा आप क्लीन चिट मिल जाए आपको बातों में, ये ज़रूरी नहीं है, कभी कभी फंस भी जा सकते हो। तो मुझे लगता है कि अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए, तो उसके लिए तो मैं खुद ही तैयारी करता हूँ। और मुझे लगता है, देखिए, अभी तक तो मुझे जब से मैं डिबेट कर रहा हूँ, मुझे कम से कम 10 या 11 साल डिबेटिंग में हो चुके हैं, तो इतने सारे मुद्दे, इतने सारे टॉपिक आ चुके हैं, इतना सारा रिसर्च बन चुका है, उसमें केवल जो अभी तात्कालिक हो रहा है, जो आज हो रहा है, उसको जोड़ के फिर बोलना है। मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कि आज कल डिबेट आती है कि भाई पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्यों सेशन नहीं चल पा रहा है, तो अब पार्लियामेंट के ऊपर हमारी इतने वर्षों से इतनी डिबेट हो रखी है, तो वो सारे तथ्य, वो सारे फैक्ट्स, जानकारियां हैं। अब केवल आज क्या हुआ पार्लियामेंट में, आज क्यों नहीं चल पाई चर्चा, या आज ऐसा क्या मुद्दा आ गया, तो वो बस जानकारी प्राप्त करके फिर हम डिबेट में जा सकते हैं। क्योंकि पुराना 5-6 साल का मुझे याद ही है या पता ही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ था, तो वो तो कॉन्टेक्स्ट स्टडी है। लेकिन बहुत से प्रवक्ता ऐसे भी होते हैं जो
पी पा के बैठ जाते हैं और अपनी वो तैयारी होती है। भाजपा के तो नहीं है पर कौन सी पाप एक आध नाम तो लो तो मैं नाम, तो पता मैं भी नहीं लूंगा। अरे भाई लेना तो पड़ेगा ना, ऐसा कैसा पॉडकास्ट होगा। एक आध बताइए, चलिए आपका फेवरेट प्रवक्ता कौन सा है भाजपा से और फिर फेवरेट प्रवक्ता कौन सा है विपक्ष से? भाजपा में मेरे पसंदीदा प्रवक्ता आप तो हैं ही, आपका कोई जवाब नहीं है। सामने बैठे इसलिए नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उससे पहले मेरे अलावा सुधांशु त्रिवेदी जी तो सबसे ज्यादा है ना ज्ञानी है। तो अगर आप उनकी विरासत को या उनके कार्यभार को आप संभाल रहे हैं तो ये बड़ी बात है। और कांग्रेस में एक जयवीर शेरगिल हुआ करते थे, वो तो भाजपा में आ गए हैं, वो ठीक थे। अब तो मुझे नहीं संभावना लगती है कि कोई प्रवक्ता, अब अखिलेश जी बैठते होंगे, पहले वो बैठते थे अखिलेश जी, अभय दुबे राजीव जी भी किसी ज़माने में ठीक बोला करते थे, है ना, और राघव चड्ढा भी ठीक बोलते हैं आम आदमी पार्टी के। और कौन है जो सबसे खराब बोलता है? ये मैं, अरे ये तो बोलना चाहिए, ये तो बताना चाहिए। नहीं खराब तो देखो बहुत से जो ऐसा कौन सा प्रवक्ता है जो आपको लगता है कि सबसे नॉन सीरियस है या जो विषय को हमेशा विषयांतर कर देता है या वो बात नहीं रख पाता उस विषय पे? नहीं मैं सुप्रिया श्रीनेत जी के बारे में ये कह सकता हूँ कि उनका थोड़ा जो एटीट्यूड है वो डिबेटिंग का नहीं है बल्कि थोड़ा अगले को अपमानित करने का ज्यादा रहता है, ये मेरा एक परसेप्शन इन दिनों में बना। हाँ, इसलिए तो उनको गुस्से वाली बोलते हैं। हाँ, गुस्से अच्छा, मुझे लगा गुस्से वाली के अलावा भी शायद एक आध बार शायद संबित जी ने बोल दिया था गाली वाली मैडम या प्रेम शुक्ला जी। संबित पात्रा कैसे हट गए स्क्रीन? नहीं नहीं, वो तो अभी क्योंकि लोकसभा सांसद बन गए, वो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता तो अभी भी है पर क्योंकि वो सांसद है तो शायद समय थोड़ा सा उनके पास कम भी रहता होगा। सांसद बनने पे बहुत सारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं, तो क्षेत्र में रहना पड़ता है, पार्लियामेंट का काम, तो इसलिए मेहनत खूब की। अब क्या पहली बार थोड़ी निराशा मिली उनको लेकिन फिर जमीन पर रहे। नहीं बिल्कुल, उन्होंने बहुत मेहनत की और इस बार जिस प्रकार से पूरे उड़ीसा में हमें अच्छी जीत मिली, बहुत अच्छी जीत मिली। तो लेकिन ये सवाल आपसे है, आप तो देखिए अपने अपनों के बारे में तो हम कह ही सकते हैं, कांग्रेस में आपको अच्छा प्रवक्ता कौन लगता है? अभय दुबे। अच्छा। पर वो भी कभी कभी क्या करते हैं कि वो मतलब जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में रेंटिंग पे चले जाते हैं, मतलब वो उनके भाषा पे उनका बहुत अच्छा नियंत्रण है, वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखना शुरू करते हैं पर धीरे 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 करके क्या होता है कि जितना ज्यादा वो बोलते हैं उतना संभावना बढ़ जाती है कि वो कोई गलती करेंगे। तो इसलिए क्या है कि अगर वो छोटा बोले या कम बोले तब तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, जब वो लंबा लंबा बोलते तब मुझे पता है कि कोई ना कोई ऐसा तथ्यात्मक गलती वो कर देंगे जिसको मैं पकड़ सकता हूँ। तो उनके तथ्य थोड़े कमज़ोर रहते हैं, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, प्रभावी है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा बोलते हैं। लेकिन स्क्रीन पे तो देखिए प्रवक्ता अपना पार्टी का पक्ष रखते ही हैं, स्क्रीन ऑफ होने के बाद में आपके कैसे रिश्ते? नहीं ज़्यादातर लोगों के साथ अच्छे ही रिश्ते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आपने बताया कि कुछ लोग डिबेट करने नहीं आते, अपमानित करने आते हैं, तो उनके साथ निश्चित रूप से आपका कोई रिश्ता या कोई कनेक्ट नहीं होगा डिबेट के बाद। पर बाकी लोग जो इस भाव से आते हैं कि भाई हम अपनी बात रखने आए हैं, दूसरा भी अपनी बात रखने आए, बात हो गई ठीक है, थोड़ी तू मैं कभी कभी डिबेट में हो भी गई तो ठीक है, हो जाता है कभी कभी, कभी हम माफ़ी मांग लेते हैं, कभी सामने वाला माफ़ी मांग लेता है, उस बात को वहीं पे समाप्त करके हम आगे बढ़ जाते हैं। और जहाँ पर मतलब मित्रता ना भी हो तो ऐसी कटुता नहीं होती, ना होनी चाहिए, क्योंकि कोई आपका दुश्मन नहीं है, वो प्रतिपक्ष है या विपक्ष है, तो मुझे लगता है कि उसमें कोई दुश्मनी का तो मामला नहीं है। कुछ मौके ऐसे आते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अच्छा। उसको दुश्मनी के रूप में ले लेते हैं, वो तो आपको पता है, आप देख ही रहे हैं कि वो किस प्रकार से फिर हर एक व्यक्ति से वो उस प्रकार से अहंकारी रूप से बात करते हैं, एंकर्स को नहीं छोड़ते, मीडिया वालों को गरियाते हैं, अब मीडिया को बॉयकॉट कर देते हैं, तो उनके रवैये से पता चलता है कि ये लोग केवल झगड़ा करने आते, तो ऐसे झगड़ालू लोगों से तो आप रिश्ता नहीं बना सकते कोई। कुछ ऐसे मौके आते हैं जब आप डिफेंसिव हो जाते हैं, मान लो जमीन पे किसी नेता ने कोई बयान दे दिया जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व से या फिर आप जो उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता, किसी ने रैंडम किसी व्यक्ति ने
भाजपा से जुड़ा है इसलिए उसने बयान दे दिया, और वो बैकफायर भी कई बार कर जाता है। अब आपको उसका पक्ष रखना है, आपको पता है कि हमारा पक्ष यहाँ पर कमज़ोर है, आपकी राय पार्टी लाइन से इतर है, उस स्थिति में उस द्वंद्व के बीच में एक प्रवक्ता कैसे पेश आता है, आप कैसे पेश आते हैं? देखिए, एक तो मैं हर मुद्दे पर जहाँ पर मैं जाता हूँ मैं कन्विंस्ड होता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है पार्टी की दृष्टि से और मेरी दृष्टि से, वरना मैं ऐसे मुद्दों में नहीं जाता हूँ या ऐसी जगहों पे नहीं जाता हूँ जहाँ पे मुझे खुद कश्मकश महसूस हो कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ तक सवाल है कि कभी कभी हो जाता है कि कभी कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं जो पार्टी की लाइन से इतर होती है, फिर उसको हमें डिफेंड नहीं करना है, हमको बस ईमानदारी से पार्टी के व्यू को रखना है, क्योंकि ये कोई व्यक्ति को डिफेंड करने के लिए या व्यक्ति की बात रखने के लिए हम नहीं जाते, हम पार्टी के व्यू को रखने जाते हैं। अभी किसी ने बीच में सबसे महत्वपूर्ण विषय तो यही था कि किसी ने बोला था कि संविधान को हम बदल देंगे, उसका कई लोग कह रहे हैं नुकसान भी बहुत कुछ हुआ हमारा, पर इस पे एक बात तो स्पष्ट है कि भाजपा का कोई ऐसा प्लान था नहीं, आरक्षण को लेकर ही इसको जोड़ा जाता है, तो आरक्षण पे हम क्लियर है, पार्टी बहुत क्लियर है, यहाँ तक कि मोदी जी ने तो ये भी बोल दिया है कि संविधान बनाने वाले भी यदि वापस आ जाए धरती पर वो भी संविधान नहीं बदल सकते, ये पॉसिबल या मुमकिन नहीं है। हम लोग क्लियर है कि आरक्षण को लेकर हमारी जो बातें हैं या जो हमारा स्टैंड है वो क्लियर है, तो उसको खारिज करने में उनकी बातों को या उनके बातों पे जो झूठ फैलाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा उसको खारिज करने में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। हाँ, पर इन विषयों पर एक मौका ये भी मिल जाता है और अक्सर ये करना भी चाहिए कि भाई कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है इस संविधान और आरक्षण को लेकर, तो उनका इतिहास दिखाने के लिए एक अच्छा मौका मिल जाता है। भाई आरक्षण के खिलाफ कौन था? 1961 में नेहरू जी ने पत्र लिखा कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ, और ये सेकंड ग्रेड लोग बन जाते हैं सब आरक्षण से। 80-90 में मंडल का विरोध किया इन लोगों ने, राजीव गांधी जी ने खड़े होकर मंडल का विरोध किया। आज भी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक तस्वीर राहुल गांधी दिखा रहे थे, आपने देखी पार्लियामेंट में, मतलब हलवा आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट तो आगे होगा, पर जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब बजट की स्पीच पर बोलते हुए राहुल गांधी ने वो तस्वीर दिखाने का प्रयास किया जिसमें निर्मला जी हलवा, जो हलवा सेरेमनी होती है बजट से पहले, वो हलवा बांटा जा रहा है, वहाँ पे कुछ अधिकारी और कुछ लोग और थे, तो वो तस्वीर पर देख कर बोल रहे हैं कि देखिए देश का हलवा बट रहा है और इसमें जो 20 लोग हैं उसमें से कोई ओबीसी एसिस्ट नहीं है। पहले तो ये है कि देश का हलवा आपने अपने परिवार में बांटा, इतने साल बांटा और चाटा। दूसरी बात, फिर एक काउंटर ये, हमने आज तस्वीर दिखाई, मैंने चिदंबरम की तस्वीर दिखाई जब वो हलवा बांट रहे थे, तो मैंने पूछा इनके साथ कौन से है लोग SC ST OBC, तो समझ में तब आएगा ना कि लोगों को कि भाई 95 तक तो कोई भी ऑफिसर जो ये कह रहे थे कि ओबीसी ऑफिसर ये वो, ये हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो लागू ही 95 से हुआ, और जो बैच के लोग खड़े थे निर्मला जी के साथ वो 87 और 90 के बैच के थे, वो लोग तब बने अधिकारी जब, या IAS में UPSC में, जब आपका परिवार सत्ता में था। यदि आपका परिवार पहले लागू कर देता तो फिर निश्चित रूप से उनके साथ OBC SC ST वर्ग के अधिकारी भी होते, पर ये आपके परिवार की गलती है कि उन्होंने विरोध किया इसका। और जहां तक रही बात OBC SC ढूंढने की, वैसे तो राहुल गांधी जी की बुद्धि इतनी कम है, बालक बुद्धि इसलिए कहते हैं कि उस तस्वीर को जब वो दिखा रहे थे उन्होंने वो देखना भूल गए वो कि वहां पर हमारे चौधरी जी मंत्री जो है MOS Finance वो तो ओबीसी वर्ग से ही है, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी वर्ग से है, और जिस व्यक्ति ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इन्होंने SC को नहीं बनाया, ओबीसी को नहीं बनाया, एक मुख्यमंत्री बनाने मिला तेलंगाना में तो क्या ओबीसी को बनाया गया, रेवंत रेड्डी को बना दिया, बनाते ना वहां पे SC को, और कौन बात कर रहा है। अभी कर्नाटका में खबर आई है कि 14,000 करोड़ 37% SC ST का फंड काट के अपनी गारंटी के लिए लगा दिया। तेलंगाना में माइनॉरिटी का बजट बढ़ा दिया 1,000 करोड़ और SC का बजट 22,000 करोड़ से 7,000 करोड़ कर दिया। अभी तमिलनाडु में 68 दलित मारे गए, उस पर एक शब्द नहीं निकला इनके मुंह से। ये लोग दलित SC ST OBC ये पता नहीं ये लोग बातें करने लग जाते हैं, तो इनको आईना दिखाने के लिए एक अच्छा मौका मिल जाता है, तो आईना भी दिखाते हैं हम। अब देखिए PDA करने वाली बात, तो विधानसभा में कौन सा PDA बना है नेता प्रतिपक्ष? अखिलेश जी ने बनाया है,
पांडे जी को, तो वहां पे बना देते। और कौन सा पीढ़ी है परिवार के आगे कुछ देखा है? ये तो अपनी जाति की भी नहीं है, ये जाति की बात करते हैं। तो लालू जी के परिवार से ही बनेगा कोई अध्यक्ष आरजेडी का, यादव से भी समाज से किसी को नहीं बनाना चाहते। मुलायम जी के ही परिवार से बनेगा, स्टालिन जी के ही परिवार से डीएमके का नेता बनेगा, कांग्रेस का नेता गांधी परिवार के ही परिवार से होगा अल्टीमेटली, जो जिसके पास पावर होगी पद पे कोई भी बैठे। तो ये तो अपने परिवार के आगे नहीं सोचते, ये जातियों की कहाँ से बात करते हैं, ये कौन सी जाति की है? इन दिनों एक व्यक्ति ने जिम्मा उठा रखा है कि आपने अतीत में जो कुछ लिखा, आपने अतीत में कुछ बोला, जिसको एक विशेषण दिया जाता है कि क्लिप कटुआ, उस व्यक्ति ने मतलब ये पूरा वो खोज खोज के आपके सामने पेश करते हैं। उसकी मंशा उसकी नीयत पर हम बात नहीं करेंगे, मैं दूसरे विषय पर बात करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति किसी ज़माने में कुछ सोचता है, जैसे आप कांग्रेस से जुड़े हुए थे, आपकी आपका एक विचार था और अब आप भाजपा में हैं, तो ये जो एक परिवर्तन है इसको आप कैसे टैकल करते? देखिए, जब मैंने कांग्रेस से बगावत की लगभग 2017 के समय पे, तो अगले दिन मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की। अभी तो हमने देखा है कि कई बार एक दिन लोग यहाँ पे कुछ बोलते हैं फिर अगले दिन ज्वाइन कर लेते, दोनों साइड से होता है। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने 2021 नवंबर में ज्वाइन की। ये इतने साल क्यों लगे मुझे ज्वाइन करने में? ये इसलिए लगे क्योंकि आपने एक पार्टी के साथ काम किया, आप पार्टी के साथ बचपन में जुड़े, उसके साथ काम किया, उसको अपने अपना जीवन दिया, फिर उसके बाद पता चला कि जो बातें कही गई थी उस पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, उन उसमें बहुत सारी कमियां थी। आपने घर में रहते हुए, पार्टी में रहते हुए सुधारने की बहुत कोशिश की कि भाई ये परिवारवाद ना हो, ये जो हम लाइन लेते हैं ये ना हो। पर जब तक आप उस परिवार में, आप उस परिवार की बात ही करोगे ना, आप जब तक मान लीजिए कि एक टीम में हो या एक कंपनी में हो, कंपनी नुकसान की ओर जा रही है, तो आप कंपनी में अंदरूनी रूप से बोलते हो कंपनी के लोगों को कि भाई देखिए हम लोग को ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। आपकी विचार या आपके राय अलग है उस कंपनी से, क्योंकि कंपनी तो गर्द में जा रही है, पर आप उसको सुधारने के लिए अंदर राय दे रहे हैं। पर आप ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुरंत आप बाहर आके फिर उसको गरियाने लगेंगे, आप कंपनी के भीतर या कंपनी की स्थिति बेहतर हो उसके लिए लगातार प्रयास करेंगे। बाहर भी आप यही संदेश देंगे नहीं ठीक है हम कंपनी के साथ है, और पर अगर कंपनी फिर डूबने के लिए तैयार हो और सुधार ना करे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप उससे निकल जाओगे और आप बोलोगे चलिए अब तो ये बचने लायक नहीं बची है और ना बचना चाहती है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी पार्टी का हाथ पकड़ा। तो ऐसा नहीं है कि भाई पहले दिन पे पार्टी से नाराज होकर हमने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। पार्टी में कई कमियां थी कांग्रेस में, आज भी है, वो आज भी परिवार के भरोसे ही है, आज भी हिंदुओं को गाली देना ही है इनको, पर आप ट्राई करते हैं कि भाई पार्टी में रहते ही उसको सुधारा जाए। मेरे पास तो पत्र भी है, सारा पत्रचार भी है, और वो पब्लिक डोमेन में भी आया है, पर अब वो क्लिप कटवा की फितरत ये है कि वो नहीं दिखाएगा कि भाई ये तो पार्टी के अंदर रहते हुए भी उनको बोलता था कि ये सारी बातें मैं बोल रहा हूँ बाहर, पर ये ठीक बात नहीं है। हमें कई बार बोला जाता था कि जाके ये लाइन लो, टीवी डिबेट पे लो, ट्वीट कर लो, हम बोलते थे कि क्या जरूरत है, नहीं आप करो ये पार्टी के लाइन, हमको बोला जाता था, हम करते थे क्योंकि आप पार्टी के साथ थे ना, आप कैसे उसको छोड़ देंगे इतना जल्दी। पर जब नहीं सुधरने का कोई लक्षण दिखा तब एक दिन हमने उसको छोड़ा। और जो लोग मेरी क्लिप निकाल के या मेरे ट्वीट निकाल के जो भी है उसको लगा के दिखाते हैं, चलिए मैंने तो 6-7 साल हुए ना उसको, 6-7 साल में तो बहुत चीजें बदल जाती ना दुनिया में। अब मुझे बताओ कि 2 महीने पहले अखिलेश जी कांग्रेस को धोखेबाज, चिरकुट, चुटवैया बोल रहे थे, अब उनके साथ हैं। 2 महीने पहले तक आम आदमी पार्टी कांग्रेस को गरिया रही थी, कांग्रेस बोल रही थी ये शराब घोटाले में लिप्त है, अब दोनों एक दूसरे के साथ है। वो तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस को बोल रही थी कि तुम सबसे घटिया हो, और वो बोल रहे थे तुम तानाशाह हो, वो एक दूसरे के साथ है। कांग्रेस और लेफ्ट ने केरला में आजीवन लड़ाइयां लड़ी, वो एक दूसरे को तानाशाह बोलते, वो एक दूसरे के साथ है। तो ये क्लिप कटवे को इनके ट्वीट्स और इनके वीडियो नहीं मिल रहे, उनको सिर्फ मेरे 6 साल पुराने मिल रहे हैं, तो भाई ढूंढ। और मुझे तो लगता है कि ये एक और प्रमाण देता है,
कांग्रेस कहती है मैं सहिष्णु, मैंने कांग्रेस के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने राहुल गांधी को बोला कि तुम नेता मत बनो जब मैंने बगावत की, कांग्रेस ने मुझे तुरंत निकाल दिया। मैंने मोदी जी को क्या क्या नहीं बोला, मोदी जी को क्या क्या नहीं बोला, भाजपा को लगा इसमें टैलेंट है, भाजपा ने, मोदी जी वाली भाजपा ने मुझे अपनाया और मुझे पद दिया, सम्मान दिया, तो सहिष्णु कौन हुआ, लोकतांत्रिक कौन हुआ? तो ये तो प्रमाण है, रोज जुबैर प्रमाण देता है कि भाजपा ज्यादा सहिष्णु है, कांग्रेस कम सहिष्णु है, वरना वो ट्वीट एक बार ट्वीट करके तो दिखाए कांग्रेस पे, वो कांग्रेस से एक सवाल नहीं पूछ सकता। आज की तारीख में जब कोई घटना दुर्घटना होती है, आप देखिए चाहे जुबैर हो चाहे सरदेश राजदीप सरदेसाई हो, ये लोग शुद्ध रूप से कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी, अभी आम आदमी पार्टी का विषय आ गया है दिल्ली में जो हमने देखा, राउस क्लासेस में तीन बेचारे हमारे देश का भविष्य किस प्रकार से अपनी जान खो बैठे, बिना भाजपा का नाम लिए ये सरदेसाई और जुबैर ट्वीट कर सकते हैं? कांग्रेस को भी बोलने के लिए उन्हें बीजेपी का सहारा लेना पड़ेगा कि देखो यहां पर ये होता है, वहां पर ये होता है, भाजपा शासित में ये होता है, यहां पर भी ये हुआ है, तो ये बहुत अफसोस हो रहा है। इसको बोलते हैं मंकी बैलेंसिंग अंग्रेजी में, इसको काउंटर बैलेंसिंग, के भाई मैं इसको पूरी तरह से नहीं बोल सकता, थोड़ा बहुत मैं भाजपा का भी नाम ले लूं ताकि मुझे गाली ना पड़े, तो ये कायरता है। आप कायर नहीं हो तो बोलो खुल के, नहीं बोल सकते, अच्छी बात है, पर मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। और वो आज भी मैंने उसको थोड़ा सा, देखो मैं तो आईना सबको दिखाता हूँ, चाहे वो जुबैर हो चाहे वो सरदेसाई हो चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब एक ही है, ये उनका प्लेटफॉर्म अलग अलग दिया हुआ है, एक का प्लेटफॉर्म सो कॉल्ड फैक्ट चेकिंग है सोशल मीडिया, एक का प्लेटफॉर्म टीवी पे है और एक का प्लेटफॉर्म सदन में है, ये है सब एक ही है सब। और ये सर्टिफिकेट बांटते हैं, इनकी बीवियां इनके बच्चे राज्यसभा ले लेकर पहुंच जाते हैं और फिर दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हैं ये। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता कौन कर रहा है, जो राज्यसभा ले रहा है पत्रकारिता कर रहा है, पद्मा अवार्ड लेकर पत्रकारिता कर रहा है, दूसरों को पत्रकारिता, दूसरों को गोदी बांटते हैं। आखिरी सवाल है, थोड़ा पर्सनल है, तहसीन जी आपके भाई हैं और वैचारिक रूप से थोड़ा आपसे भिन्न राय रखते हैं, उसके बावजूद आपकी जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी जचती है, ये कैसे बॉन्डिंग हो जाती है? केमिस्ट्री तो हमारी वैसे अभी तो केवल केमिस्ट्री के शब्दों में कहें तो केवल एक्सप्लोजिव केमिस्ट्री है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोगों का तो झगड़ा ही चलते रहता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई राम और लक्ष्मण है कहीं के, ऐसा नहीं है, हम लोग का तो पहले ठीक था रिश्ता, पर उसके बाद क्या हुआ कि जब ये मेरी बगावत हुई तब उसके बाद स्थितियां ऐसी हो गई कि वो भी वफादार मैं भी वफादार, वो परिवार के प्रति मैं देश के प्रति, उन्होंने अपनी वफादारी अपने परिवार के साथ दिखाई, मैंने अपनी वफादारी, मुझे जो उसूल लगा ठीक सिद्धांत लगा उसके प्रति दिखाई, तो उसके चलते थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि एक दीवार खड़ी हो गई। पर मुझे लगता है कि देखिए महाभारत भी तो जो लड़ी गई वो अंततः परिवार के सदस्यों के बीच में ही लड़ी गई, कौरव पांडव तो एक दूसरे के भाई ही थे ना, पर सिद्धांत के लिए लड़ाई लड़ी गई, तो सिद्धांत को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, परिवार का सदस्य सिद्धांत तोड़े या कोई भार वाला सिद्धांत तोड़े मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई अंतर होना चाहिए। तो मेरे भाई का मुझ देखिए हो सकता है कि मेरे भाई का जो बेटा है या उनका परिवार है उसके प्रति मेरा सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, पर क्योंकि मेरा भाई है तो वो जो विचार लेकर चल रहा है और मुझे पता है वो विचार देश के लिए ठीक नहीं है, तो मैं उसके विचारों को स्वीकारूं या उसके प्रति सॉफ्ट हो जाऊं ये मुझे स्वीकार नहीं है। मेरे लिए बहुत क्लियर है कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, ये परिवार, ये देश के लिए और ख़ास करके हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ा ख़तरा है, ये देश को बांटने के लिए ले जा रहे हैं, और इसीलिए जो भी इनके समर्थन में है मैं उनका विरोध करता रहूँगा। आपने अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से हमारे लिए ये वक्त नहीं, आप इतना दूर से आए और आपने इतनी मेहनत की है इसको, इस पूरे चैनल को बनाने में उभारने में, और आप जैसे लोग ही जो है वो असलियत में देखिए बिना कोई समर्थन के भी असली चीज़ें दिखाना और उस पर बात रखना और इतना कठिनाई
के बीच में भी, तो मैं आपको साधुवाद करता हूँ कि भाई आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल इसका जो असली जो आप काम कर रहे हैं उसका योगदान जो है लोग पूरी दुनिया और पूरा देश उसको ज़रूर स्वीकारेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका।